गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड परिष्कार क्लासेस सदाशय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज है 26 अक्टूबर और इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्विक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर द्वारा चलाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के कॉन्क्लेव को आभासी रूप से किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन प्लेटफॉर्म पर विवोक के माध्यम से कितने बिलियन टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे, 1 बिलियन किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नीति संवाद का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा, नीति आयोग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सागर के गठन की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है, 21 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करेगा? तो कितने की करेगा, 5 ट्रिलियन डॉलर की करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी रेयान टेन डोसेट ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है, नीदरलैंड ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रा के किस CEO ने इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है, अमर नागरम ने दिया है। किसने दिया है, अमर नागरम ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कितने सक्षम केंद्र शुरू किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे, 152 किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? तो किसने की है, छत्तीसगढ़ ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की है, 3% की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, KL राहुल बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली पर किस राजधानी में 180 लाख यूनिट बिजली की रोशनी होगी? तो कहाँ होगी, जयपुर के अंदर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वांगुरी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की कितनी पुस्तक का विमोचन किया है? तो कितनेवीं का किया है, 100वीं पुस्तक का किया है। कितने का किया है, 100वीं पुस्तक का किया है, ठीक है। कि जो उपराष्ट्रपति हैं, कौन है अपन के, वेंकैया नायडू ने किया है वांगुरी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की, ठीक है। वांगुरी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका की 100वीं पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। और कब किया था, 24 अक्टूबर 2021 को किया था। कब किया था, 24 अक्टूबर 2021 को किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है, प्रशासन गांव के संग अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। कि राजस्थान सरकार ने एक मेगा जो अभियान है, कौन सा है, प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है, ठीक है। और ये जो अभियान है वो राजस्थान के जो दूरस्थर गांव के जो लोग हैं उनके लिए स्थानीय प्रवास, ठीक है, स्थानीय प्रवास के 22 विभागों तक पहुंचने को सक्षम करेगा। कितने विभागों तक, 22 विभागों तक पहुंचने को सक्षम करेगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो अभियान है वो 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था, ठीक है। और कब तक चलेगा, 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 17 दिसंबर 2021 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है, भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस देश ने नया कानून पारित किया है? तो कौन से देश ने किया है, चीन ने किया है। किसने किया है, चीन ने किया है, ठीक है। कि चीन की जो विधायिका है उसने क्या किया है, भूमि सीमा सुरक्षा को
मजबूत करने के लिए एक नया कानून पारित किया है, ठीक है। और इस कानून में ये क्या करेंगे कि जो अपने उस 52,000 किलोमीटर की जो लंबी भूमि की जो सीमा है उसकी रक्षा कैसे करें ये डिसाइड करेंगे, ठीक है, जिसे वह 14 देशों के साथ साझा करती है। कितनों के साथ करती है? 14 देश के साथ साझा करती है, ठीक है। और ये जो कानून है वो कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा। कब से होगा? 1 जनवरी 2022 से होगा, ठीक है। और इसी के साथ जो कानून है वो ये निर्धारित करेगा कि चीन के जो जनवादी गणराज्य की संप्रभुता को क्षेत्रीय अखंडता पर जो पवित्र है और जो क्षेत्रीय अखंडता है वो पवित्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिक का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो कौन से देश द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसने अक्टूबर 2021 में हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिक जो है उसका सफल परीक्षण किया है, ठीक है। और ये जो परीक्षण है वो नासा की सुविधा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नासा की जो सुविधा है उसके अंदर आयोजित किया गया था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को कब किया था? 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना शुरू की है, ठीक है। योजना क्या है उसका शुभारंभ करेंगे, ठीक है। और शुभारंभ के लिए वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। किसका करेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य का करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। कितने का करेंगे? 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ ये जो योजना है वो देश भर में, ठीक है, देश भर में स्वास्थ्य सेवा की जो आधारभूत संरचना है उसको मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना में से एक होगी। कौन सी होगी? सबसे बड़ी जो अखिल भारतीय योजना है उसमें से एक होगी, ठीक है। और ये सारा जो है वो किसके अंतर्गत होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है। कि ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। कि इसका जो स्थापना दिवस है वो कब का था? 24 अक्टूबर को था, ठीक है। और इस साल इन्होंने अपनी 60वीं स्थापना दिवस मनाई है। कितनी मनाई है? 60वीं स्थापना दिवस मनाई है, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैसे स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 के अंदर इसको भारतीय तिब्बत सीमा पर स्थापित जो है वो सीमा बनाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण योजना ने कौन सी वार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है? तो कौन सी का किया है? द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है। कौन सी का किया है? द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है, ठीक है। कि जो दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने 23 अक्टूबर को कब किया था? 23 अक्टूबर 2021 को एक द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है। कौन सी का किया है? द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है। और कब किया था? 23 अक्टूबर 2021 को किया था, ठीक है। और इसी के साथ ये क्या है कि पूरे भारत में जो कोविड महामारी है उसके दौरान ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियों से लेकर सामाजिक भावनात्मक अभिगम की जो कमी तक जो बच्चों के लिए जो जीवन है अभी तक उन सारी जो पहलू है उनको क्या करेगा? इसके अंदर कवर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। कि विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल 2021 की इसकी थीम क्या है? वन डे वन फॉक्स है। कौन सी है? वन डे वन फॉक्स है, ठीक है। और ये जो दिवस है वो रेडरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास, ठीक है, जोनास साइलक
ठीक है, जोनास साइलक के जन्म के जो उपलक्ष्य था उसके अंदर शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदला जाएगा? तो किसके द्वारा बदला जाएगा? उत्तर प्रदेश के द्वारा बदला जाएगा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जो रेलवे जंक्शन है उसका नाम बदल कर क्या रखने का सोचा है? तो उसका नाम इन्होंने सोचा है अयोध्या केट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय किया है। कौन सा किया है? अयोध्या केट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और इसी के साथ 2008 में, ठीक है, 2008 में उत्तर प्रदेश ने फैजा का नाम बदल कर क्या कर दिया था? अयोध्या कर दिया था। क्या कर दिया था? अयोध्या कर दिया था। ठीक है, ठीक है, और अब इसका नाम वो वापस बदल कर क्या कर देंगे? अयोध्या केट रेलवे स्टेशन कर देंगे। ठीक है, और इसका जो, ठीक है, और ये जो फैजा रेलवे जंक्शन है वो कब खोला गया था? 1874 के अंदर खोला गया था। कब खोला गया था? 1874 के अंदर खोला गया था। ठीक है, और फैजा जो रेलवे स्टेशन है वो उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और चीन ने अपनी पहली संयुक्त गश्ती किस महासागर में किया है? तो किस महासागर में किया है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया है। किस में किया है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया है। ठीक है, कि रूस और चीन ने, ठीक है, युद्ध पोतों में 17 से 23 अक्टूबर, कब तक? 17 से 23 अक्टूबर 2021 को जो प्रशांत महासागर है उसकी पश्चिमी भाग में क्या किया था? अपना पहला जो है वो संयुक्त गश्त किया है। क्या किया है? गश्त किया है। ठीक है, संयुक्त गश्त किया है। कौन सा किया है? पहला किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड परिक्स के विजेता कौन है? तो कौन बने हैं? कौन बने हैं? मैक्स वेर स्टेपन बने हैं। कौन बने हैं? मैक्स वेर स्टेपन बने हैं। ठीक है, और कब बने थे? 24 अक्टूबर 2021 को बने थे। कब बने थे? 24 अक्टूबर 2021 को बने थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल की किस फिल्म को ऑस्कर 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? कौन सी फिल्म थी? कुंजन गल। कौन सी थी? कुंजन गल थी। ठीक है, कि तमिल की एक फिल्म है कुंजन गल, इसको ऑस्कर 2020 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। ठीक है, और ये जो फिल्म है वो 2022 में, कब? 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए भी क्या करेगी? प्रतियोगिता करेगी। ठीक है, ठीक है, और इस बार 94वें अकादमी पुरस्कार जो है वो 27 अक्टूबर 2022 को लॉस एंजेल में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लॉस एंजेल में आयोजित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 27 मार्च 2022 को किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं? तो किस में किए गए हैं? तो जापान में किए गए। किसके किए गए हैं? जापान में किए गए हैं। ठीक है, कि जापान के अंदर माउंट एसो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है जिसके कारण क्या किया गया है? वहाँ के लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो किसके लिए की है? अफगानिस्तान के लिए की है। किसके लिए की है? अफगानिस्तान के लिए की है। और किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? एक जो विशेष ट्रस्ट फंड है उसकी स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 26 और 27 अक्टूबर को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? पंजाब के अंदर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पंजाब के अंदर किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 26 से 25 अक्टूबर को किया जाएगा। ठीक है, लास्ट रोज का क्वेश्चन आपके लिए, विश्व का पहला SB 100 मिलीग्राम इंट्राकोनाजोल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा? इंटास के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? इंटास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के 16,600 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किसके द्वारा दी गई है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट कीजिएगा।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे नए करंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।